हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोग के लिए है जो लोग एमआर की वैकेंसी पता कर करके एकदम थक चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको एमआर की वैकेंसी नहीं मिली है। और वैकेंसी यदि मिल भी जाती है तो उनको जॉब नहीं मिल पाती है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, एमआर की वैकेंसी के ऊपर इससे पहले मैंने अपने चैनल पे दो वीडियो पहले से बना करके रखा हुआ है। उस दोनों वीडियो को देख करके बहुत सारे लोगों को अभी तक एमआर की वैकेंसी भी मिल चुकी है और बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये वीडियो देख करने के बाद आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा। लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूं जो हर तरीका अपना चुके हैं वैकेंसी पता करने का, लेकिन अभी तक उनको वैकेंसी नहीं मिला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं वैकेंसी नहीं मिलने की आपको कारण बताऊंगा कि वैकेंसी मिलती क्यों नहीं है आप लोग को, मिल क्यों नहीं पाती है। अगर मिल भी जाती है तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, और अगर आप फोन करते हैं तो पहले से ही पता चलता है कि वैकेंसी फिल हो चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी किसी भी हेडक्वार्टर में वैकेंसी निकलती है, जहां भी कोई मानो लड़का छोरा तो वहां तो तुरंत उस समय वैकेंसी निकलेगी, तो वैकेंसी के निकलते ही वहां के जो लोकल एरिया के जो भी एमआर होते हैं, सबसे पहले तो वो ही लाइन में लग जाते हैं। और आपके पास जब तक वैकेंसी पहुंचती है उससे पहले ही वहां के जो लोकल एमआर हैं उस हेडक्वार्टर के, मैं ये नहीं कहता हूं कि लोकल और बाहर का कुछ इफेक्ट पड़ता है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वहां जो एमआर काम कर रहे हैं वो सबसे पहले चाहते हैं कि ये जो वैकेंसी निकली है, एक्सपीरियंस एमआर की मैं बात कर रहा हूं, फ्रेशर की तो बात ही छोड़ो, सबसे पहले जो एक्सपीरियंस एमआर है वही होर में लग जाते हैं वो वैकेंसी के पीछे कि मैं जॉब मुझे हो जाए। और मेन क्या होता है कि कंपनियों को भी एक्सपीरियंस एमआर चाहिए होता है, तो वहां जो एक्सपीरियंस एमआर जो पहले से काम कर रहे हैं वही लाइन में लगे होते हैं, तो कंपनी भी क्या करती है कि उन्हीं में से सिलेक्शन कर लेती है। और एक और कारण यह होता है कि अगर मान लो आपके कोई इस फील्ड में पहचान के नहीं है, अगर आपको वैकेंसी किसी सोशल मीडिया साइट पे मिला है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं से वैकेंसी वो मिलता है, तो वो वैकेंसी जो है वो काफ़ी दिनों बाद उस पर अपलोड होता है, तो उससे पहले बहुत वहाँ के जो लोग हैं वो वैकेंसी में ट्राई कर चुके होते हैं, उस वैकेंसी के लिए इंटरव्यू दे चुके होते हैं, या फिर वहाँ के जो लोग हैं जो जिनको सबसे पहले वैकेंसी के बारे में पता चलता है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, सबसे पहले तो एक्सपीरियंस जा करके दे देते हैं, उसके बाद जो होता है वो जो फ्रेशर लोग होते हैं उनको चांस मिलता है। और कंपनियाँ भी चाहती है कि मुझे उस हेडक्वार्टर में जो पहले से लड़के काम कर रहे हैं, जिनको उस हेडक्वार्टर का अच्छे से नॉलेज हो, उन्हीं को वो कंपनियाँ लेना चाहती है। तो सवाल आता है कि आपको ऐसे सिचुएशन में वैकेंसी कैसे मिलेगा, तो मैंने आपको पहले कारण बताया कि इस कारण से आपको वैकेंसी नहीं मिल पाता है। अब मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन कि आप क्या करें कि आपको वैकेंसी मिले, आपको भी वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिले और आप जैसे को आप भी जाकर के उस वैकेंसी को पता कर सके और इंटरव्यू दे सके और आपका भी सिलेक्शन हो पाए। उसके लिए जो सबसे नंबर वन ट्रिक है वो ये है कि आपका कोई पहचान वाला इस फील्ड में होना चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जिसका इस फील्ड में कोई पहचान का नहीं है उसको जॉब नहीं मिलता है या फिर फ्रेशर को जॉब नहीं मिलता है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो एकदम ही जिनको हर ट्रिक अपनाने के बाद भी वैकेंसी नहीं मिला है, पहले ही मैंने वीडियो बता दिया है उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं। तो जो मेन ट्रिक है वो ये है कि आपका कोई पहचान वाला इस फील्ड में होना चाहिए, चाहे वो एमआर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो मेडिकल वाला हो, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, यही सारे लोग इस फील्ड के यूं कहूं तो मेन लोग हैं जहां से आपको मेन सोर्सेस है जहां से आपको वैकेंसी मिल सकती है। तो आपका कोई या तो एमआर पहचान का है या फिर वो दोस्त होगा, वो रिलेटिव होगा, या कहीं से भी आप पता कीजिए, सोशल मीडिया पे अगर कोई एमआर है तो उसे आप उसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चाहे वो मेडिकल वाला हो, मेडिकल वाला आपके गांव में कहीं भी आपको आपके गांव में भी तो होगा, वहां से भी आप उनसे दोस्ती बनाइए और उनको, क्योंकि हर मेडिकल स्टोर पे कोई ना कोई एमआर, कोई ना कोई क्या, हर एक अधिकतर एमआर जाते ही है कोई भी हर मेडिकल स्टोर पे, और
दूसरा कि आप डॉक्टर से अगर आपको गांव के भी अगर डॉक्टर है, मैं ही नहीं कहता हूं बड़े डॉक्टर नहीं, अगर गांव के ही कोई डॉक्टर है उनसे तो आपका कोई ना कोई पहचान तो होगा ही, आपके घर के कोई फैमिली डॉक्टर होंगे या फिर आप किसी को जानते होंगे या कभी दिखवाने गए होंगे तो वहां से आप पता कर सकते हैं, या फिर जो डॉक्टर के बाहर जो रिसेप्शन में जो बैठते हैं उनके उनके पास भी MR का कुछ कॉन्टेक्ट होता है, या फिर उनके पास डायरी होती है वो जब रिसेप्शन डायरी उसमें भी रहता है नंबर। नहीं तो अगर आपका कोई पहचान का नहीं है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि हर एक मेडिकल स्टोर पे क्या होता है एक MR डायरी होता है जिसमें MR का पूरा डिटेल लिखा रहता है, MR का नाम, MR का मोबाइल नंबर, MR किस कंपनी में काम करता है, सारा जो डिटेल है वो MR डायरी में जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा वहां लिखा रहता है, वहां से आप कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के आप वैकेंसी के बारे में पता कर सकते हैं उनसे। मैं फ्रेंड से मैं एक चीज आपको पहले बता दूं कि मैं आपको जो ये कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं कि आपका कोई पहचान का इस फील्ड में होना चाहिए, यह मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको वैकेंसी जैसे ही खाली होगा तो उस समय पता चलेगा तो आप उस वैकेंसी को अर्लियर जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरा मैं मेन कारण इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपका कोई पहचान का है, आप किसी के रिफरेंस के थ्रू जाते हैं, चाहे वो MR हो, मैनेजर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल, तो वहां पे आपके सिलेक्शन का जो चांस है वो ज्यादा हो जाता है। आप जैसे कि आपको कोई नहीं जानता है अगर इस फील्ड में तो वहां आप जाते हैं तो आप पे उस प्रकार का ट्रस्ट नहीं होगा उसको, सामने वाले को जो इंटरव्यू ले रहा है। लेकिन आप किसी के पहचान के थ्रू जा रहे हैं कि हाँ किसी ने आपको भेजा है, आप बताओगे कि हाँ ये MR ने मुझे भेजा है, या फिर कोई अगर MR आपका दोस्त है या मैनेजर दोस्त है तो वो अगर उस अगले मैनेजर को फोन करेगा जिसके यहाँ आप इंटरव्यू देने गए हो, तो अगर वो रेफरेंस दिया है, फीडबैक दिया है, तो वहां आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। मैं इस कारण से आपको बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, और आप ये तरीका अपना करके देखो आपको भी 100% वैकेंसी मिलेगी और आप भी MR का जॉब कर पाओगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।